पर और हम वापस आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 5 पर। जितने मेरे प्यारे बीकॉम के बच्चे हैं सीए सीएससीए में, उन सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल है। पिछली वीडियो में हमने वैलिड रेवोकेशन तक पढ़ा था, आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वैलिड जो एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट थे, उसमें 2-3 पॉइंट रह गए थे जैसे लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। लॉफुल कंसीडरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, कंसीडरेशन क्या होता है। लॉफुल कंसीडरेशन वो कंसीडरेशन होता है जिसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो कानून की नजर में लॉफुल है। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य है वो लॉफुल है, किसी को मारने के लिए सुपारी देना, किसी का एक्सीडेंट के लिए देना, ये सब लॉफुल नहीं है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कानून की नजर में वॉइड हो। वॉइड मीन्स कानून की नजर में उसकी लीगली कोई वैल्यू ही नहीं है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो अब यहां एक पॉइंट निकल के आता है जिसे हम कहते हैं अनलॉफुल कंसीडरेशन, है ना। अनलॉफुल कंसीडरेशन, सबसे पहले अनलॉफुल कंसीडरेशन के लिए मैं आपको कंसीडरेशन के बारे में थोड़ा बताता हूं। देखो बेटा, कंसीडरेशन का मतलब होता है जब भी एक पार्टी दूसरे पार्टी से ऑफर करती है, वो एक्सेप्ट करती है, उनके बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनके आपस में कोई ना कोई कंसीडरेशन होता है, यानी बदले में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां से आगरा जाना चाहते हैं या आप जहां भी हैं कहीं दूसरे जाना चाहते हैं, आप जाहिर सी बात है ट्रेवल करके जाएंगे, आप बस में बैठे, बस वाला आपको वहां तक पहुंचाएगा, ये आपके लिए कंसीडरेशन है, और आप बस वाले को पैसे दोगे वो बस वाले के लिए कंसीडरेशन है। आपको मोबाइल खरीदना है ना, आपके पास मोबाइल आएगा ये आपके लिए कंसीडरेशन है, और बदले में उसको पैसे मिलेंगे वो उसके लिए कंसीडरेशन है। यानी कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, उसे हम क्विड प्रो क्यो भी कहते हैं। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का सेक्शन है 2D, याद करने का तरीका कंसीडरेशन, सेक्शन 2D, डरेशन, 2D, डरेशन, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और एब्सटेन भी हो सकता है, यानी कि आपको जो कंसीडरेशन दिया जा रहा है वो या तो किसी काम को करने के लिए दिया जा रहा है और या किसी काम को ना करने के लिए भी दिया जा रहा है। आपको याद हो हमने ऑफर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था सिग्निफाइज इज एसेंट फॉर डूइंग समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, है ना। तो कंसीडरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और एक तरीके से नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर के हिसाब से होता है, प्रोमिसर यानी कि हमारा ऑफरर जो होता है, ऑफर देता है। उसके बाद कंसीडरेशन, यानी कंसीडरेशन में आपको पैसा भी मिल सकता है और कुछ भी और भी मिल सकता है, मे बी इन कैश और काइंड। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे डिपेंड करता है, मे बी एजुकेट और इनएजुकेट। मतलब फॉर एग्जांपल आप अपनी कार बेचना चाहते हो 50,000 रुपए की, ये आपके लिए एजुकेट है, कितने पैसे चाहिए आपको 50,000 सर। अब जरूरी नहीं है कि 50,000 ही मिल जाए, 45,000 मिल सकते हैं, 40,000 मिल सकते हैं, ये क्या है इनएजुकेट है ना, हो आपके हिसाब से भी हो सकता और आपके हिसाब से नहीं भी हो सकता। कैन बी गिवन टू और बाय थर्ड पर्सन, कंसीडरेशन जो होता है वो दो लोगों के बीच में है। अब ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल ए को बी ने 20,000 रुपए देने थे और उसके बदले उसे मोबाइल देना था, अब ए ने अपना कोई रिश्तेदार या कोई और भेज दिया कि तू वहां चला जा, फोन ले ही और पैसे दे ही हो, ये क्या है थर्ड पर्सन। लेकिन इसमें भी एक चीज आती है, स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसी चीज की बात है जो सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, उस केस में ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा पेंटर है जिसे पेंटिंग बनानी थी, अब वो अपना काम किसी और को नहीं दे सकता, वो चीज वही बना सकता है। कोई सिंगर है, कोई डांसर है ना। तो यहां तक समझ में आएगा अब कंसीडरेशन का मतलब। अब हम चलते हैं अनलॉफुल कंसीडरेशन की ओर। अनलॉफुल कंसीडरेशन हमारे सारे वो कंसीडरेशन होते हैं जो कानून की नजर में लॉफुल नहीं माने जाते। पहला है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो कंसीडरेशन जो कानून ने मना कर रखे हैं प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर उन्हें तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, कोई भी दूसरा लॉ आपने डिफीट किया। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट में क्या होता है, बहुत सी आपने मूवी देखी होंगी उसमें आपको चोर वगैरह बनते हैं। धूम ले लो, धूम की सीरीज आपने देखी होगी, चोरी करता है जिस हिसाब से वो, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किया ही इसीलिए जा रहा है ताकि आपको चीट किया जा रहा है ना, आपसे पैसे हड़पे जा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा सारी बैंकिंग कंपनी ऐसी आई थी जो पॉलिसी दे रही थी पैसा डबल करके और आपका पैसा लेके वो फरार हो गई, ये क्या है फ्रॉडुलेंट है।
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आपका कंसीडरेशन कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो और इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को इंजरी हो, ये सारे हमारे अनलॉफुल कंसीडरेशन होते हैं। कुछ एक पॉइंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसीडरेशन के वॉइड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मीन्स जहां पर कंसीडरेशन नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वॉइड नहीं होता। सबसे पहला, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बना है, आपके मम्मी पापा ने आपसे प्रॉमिस किया कि बेटा इतने परसेंट लेके आओ और हम तुम्हें लड्डू देंगे तो अब आपके उतने परसेंट आ गए, अब आपने कहा पापा लड्डू खिलाओ, पापा के पास पापा ने मना कर दिया, मैं आज नहीं खिला सकता, बाद में खिलाऊंगा। इस केस में आप अपने पापा पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। सेकंड है ऑलरेडी डन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने मूवियों में देखा होगा, लड़की का पर्स चोरी करके चोर भागता है, हीरो पता नहीं कहाँ से दौड़ता हुआ आता है उड़ता हुआ और उसका पर्स लेके आता है उसके पास, वो या तो थैंक यू बोलती है या मॉडर्न जमाना है तो आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, ऊपर वाले का भला हो। तो ऑलरेडी डन समथिंग यानी कि किसी पर्सन ने आपके लिए पहले से ही कुछ कर दिया है, उसके बदले आपने कुछ किया। तीसरा होता है हमारा टाइम बार्ड डेब्ट। टाइम बार्ड डेब्ट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा एक एक्ट होता है हमारा लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर आपका पैसा किसी के पास है तो लीगली एक्शन लेने के लिए आपके पास 3 साल का समय होता है। लीगली एक्शन लेने के लिए आपने किसी को सामान बेचा उधार 1 लाख 2 लाख जितने का भी था, अब आपने उससे 3 साल तक पैसा रिकवर नहीं करा पाए तो आप उसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकते। उस कंडीशन में वो क्या बन जाता है, टाइम बार्ड डेब्ट। तो ये सारे एक्सेप्शन होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, और ये कुछ एक्सेप्शन होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये मेरा नंबर है 9690105047। अगली वीडियो हम BBA की स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।